मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और हमारी यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी भाषा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह भाग 23 है। आइए हम विस्तृत रूप से देखने के लिए चलते हैं। प्रश्न एक, मूर्धन्य व्यंजन है ए ट बी प सी श डी व। सही विकल्प है ए ट। प्रश्न दो, समूहवाचक संज्ञा है ए बुढ़ापा बी उन सी साकेत डी कक्षा। सही विकल्प है डी कक्षा। प्रश्न तीन, परिमाणवाचक विशेषण है ए छोटा बी पापी सी 5 किलो डी चौथा। सही विकल्प है सी 5 किलो। प्रश्न चार, संख्यावाचक विशेषण है ए अनेक बी 3 सी बहुत सारे डी फीका। सही विकल्प है बी 3। प्रश्न पाँच, अधिकरण की विभक्ति है ए के लिए बी से सी ने डी पर। सही विकल्प है डी। प्रश्न छः, संप्रदान की विभक्ति है ए के लिए बी का सी ए डी पर। सही विकल्प है ए के लिए। प्रश्न सात, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है ए समुदायवाचक बी निश्चित वाचक संख्यावाचक सी परिमाणवाचक डी अनिश्चित संख्यावाचक। सही विकल्प है डी अनिश्चित संख्यावाचक। प्रश्न आठ, आलस्य शब्द का विशेषण है ए आलस बी आलसी सी आलसीपन डी आलसी। सही विकल्प है डी आलसी। प्रश्न नौ, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं ए 8 बी 2 सी 6 डी 3। सही विकल्प है सी 6। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है ए खर्चा बी चुपचाप सी निपट डी मात्र। सही विकल्प है सी निपट। प्रश्न 11, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है ए क्या बी यह सी कौन डी कुछ। सही विकल्प है बी यह। प्रश्न 12, बाल का स्त्रीलिंग है ए बाला बी बालिका सी बालिका डी बाली। सही विकल्प है ए बाला। प्रश्न 13, कवयित्री का पुल्लिंग है ए कवयित्र बी लेखक सी लेखका डी कवि। सही विकल्प है डी कवि। प्रश्न 14, साधु का स्त्रीलिंग है ए साध्वी बी साधु सी साध्वी डी साधुनी। सही विकल्प है सी साध्वी। प्रश्न 15, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है ए कवयित्री बी कवयित्री सी कवियत्री डी कवयत्री। सही विकल्प है बी कवयित्री। प्रश्न 16, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है ए संख्यावाचक विशेषण बी परिमाणवाचक विशेषण सी सार्वनामिक विशेषण डी गुणवाचक विशेषण। सही विकल्प है डी गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 17, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए ए छूटना बी लेटना सी तड़पाना डी पिघलाना। सही विकल्प है ए छूटना। प्रश्न 18, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए ए मनस्वी बी मनुष्यत्व सी आदमियत डी मानवता। सही विकल्प है डी मानवता। प्रश्न 19, हिंदी भाषा में वह ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं ए व्यंजन बी वर्ण सी अक्षर डी स्वर। सही विकल्प है डी स्वर। प्रश्न 20, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है ए पद बी विकारी शब्द सी अविकारी शब्द डी पदबंध। सही विकल्प है सी अविकारी शब्द। प्रश्न 21, जातिवाचक संज्ञा है ए शैशव बी पुस्तक सी लोहा डी लकड़ी। सही विकल्प है बी पुस्तक। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किन वाक्य में संप्रदान कारक है ए राजा ने निर्धनों को कंबल दिए
बी मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, सी राम घर पर सो रहा है, डी निसार खेलता है। सही विकल्प है ए, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। प्रश्न 23, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। सही विकल्प है डी निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न 24, तालव्य व्यंजन है। सही विकल्प यहाँ पर सी है, च छ ज झ। प्रश्न 25, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ए वैदिक, बी स्नेह, सी पैतृक, डी यज्ञ। सही विकल्प है बी स्नेह। प्रश्न 26, साखी का तत्सम रूप है। ए सटसती, बी साक्षी, सी सखी, डी सप्तपदी। सही विकल्प है बी साक्षी। प्रश्न 27, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। ए बच्चा, बी चूर्ण, सी काज, डी जन्म। सही शब्द विकल्प है बी चूर्ण। प्रश्न 28, किवाड़ का तत्सम रूप क्या है? ए कीटक, बी कपाट, सी कापट, डी किटक। सही विकल्प है बी कपाट। प्रश्न 29, एक तत्सम यथा तथा एक तद्भव शब्द का जोड़ा है। ए धर्म कर्म, बी पुच्छ पूंछ, सी अंधा काना, डी सूर्य चांद। सही विकल्प है बी पुच्छ पूंछ। प्रश्न 30, स्वर्णकार का तद्भव रूप है। ए सुनकर, बी सुनार, सी सोनकार, डी साहूकार। सही विकल्प है बी सुनार। तो इस प्रकार से इस वीडियो ट्यूटोरियल से हमने आपको कई सारे हिंदी भाषा पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को प्रस्तुत किया। हमें विश्वास है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ हो।